हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, और ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे वॉच कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन एंड वेब्स। तो फूड चेन और फूड वेब्स क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। इन एक्टिविटी 13.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। तो एक्टिविटी 13.4 में हमने फॉर्म करी थी ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज जो कि एक दूसरे को खाते हैं। दिस सीरीज और ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन, फिगर 13.1। और ये ऑर्गेनिजम्स को खाने की जो सीरीज होती है ये अलग अलग बायोटिक लेवल्स पर होती है, जिससे ये मिल करके एक फूड चेन बना लेती है, जैसा कि आप फिगर 13.1 में देख सकते हो। Each step or level of the food chain forms a trophic level. हर step या फिर हर level food chain का एक trophic level बनाता है। The autotroph or the producers are at the first trophic level. और autotroph या फिर producers ये आते हैं आपके पहले trophic level पर। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. और ये हेटरोट्रॉफ और कंज्यूमर्स के लिए सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड, स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड, एंड लार्ज कार्निवोर्स और द टर्शरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिगर 13.2। तो हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके सेकेंड लेवल पे आते हैं। उसके बाद छोटे कार्निवर एनिमल्स जो होते हैं यानी सेकेंड कंज्यूमर्स, ये आते हैं आपके थर्ड लेवल पर, और लार्ज कार्निवर्स या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स ये आते हैं आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हम ये जानते हैं कि फूड जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अलग अलग काम कर सकें। Thus the interaction among various components of the environment involve flow of energy from one component of the system to another। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में अलग अलग कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जिसके कारण उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है एक सिस्टम के कंपोनेंट से दूसरे सिस्टम के कंपोनेंट से इंटरेक्ट करने में। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट से और उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और ये एनर्जी हमारे लिविंग वर्ल्ड की सभी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। फ्रॉम ऑटोट्रॉफ द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स। उसके बाद में ऑटोट्रॉफ से ये एनर्जी पहुंचती है हेटरोट्रॉफ में और डिकम्पोजर्स में। हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन फॉर्म्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। जैसा कि हमने पीछे के चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखा था कि एनर्जी हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, और कुछ एनर्जी हमारी लॉस होती है एनवायरनमेंट में जिसे हम आगे यूज नहीं कर सकते। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट। तो एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में एनर्जी का जो फ्लो होता है उसे एक्सटेंसिवली स्टडी करने के बाद में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारा, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पर जो सनलाइट पड़ती है वो उसका केवल 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं और उसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट ऑफ द एनवायरनमेंट, सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन एंड इन डूइंग वर्क
एंड द रेस्ट गोज टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं तो उसके कारण एनवायरमेंट में कुछ एनर्जी लॉस होती है हमारी, क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी डाइजेशन में यूज हो जाती है और कुछ अलग अलग वर्क करने में और कुछ आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स फूड खाते हैं उसका 10% एनर्जी ही उनकी बॉडी में लगता है और बाकी की एनर्जी नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है और बाकी की एनर्जी नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. इसलिए organic matters में energy की जो average value होती है वो 10% ही present होती है हर step पे और बाकी की next level के consumers के लिए चली जाती है। अगला point है हमारा, since so little energy is available for the next level of consumers, फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स। क्योंकि काफी कम अमाउंट में एनर्जी आपके नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स के लिए होती है इसलिए फूड चेन में जनरली 3 से 4 स्टेप ही होते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स। क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी आपकी काफी ज्यादा मात्रा में लॉस हो रही है जिसके कारण काफी कम अमाउंट में एनर्जी आपकी 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद में बचती है यूज करने के लिए। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इकोसिस्टम का जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है जो कि होता है प्रोड्यूसर्स, जिनके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो फूड चेन्स की लेंथ और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है जिसके कारण हर ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स खाते हैं और फिर उन 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को और भी अदर ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, the relationship can be shown as the series of branching lines called a food web, figure 13.3। जिसके कारण हमने food chain को एक straight line में न शो करके हमने शो किया है उसको branching की form में, जिसे कहा जाता है food web, जैसा कि आप figure 13.3 में देख सकते हो। यह है आपका figure 13.3। तो इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के चैप्टर को हम कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के थ्रू। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।